नमस्कार, मैं सुनील, आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं जिसमें कि समस्या समाधान की संकल्पनाओं को लेकर हम उपस्थित हैं, जिसको कि हम कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं। और समस्या समाधान से संपूर्णतया हम इसकी जो जानकारी है संपूर्णतया आप तक प्रेषित करेंगे और आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और मुझे लगता है कि आप निश्चित तौर पर इसके समस्या समाधान से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट्स को आप जानेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक बने रहें और साथ ही लाइक और शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब हम आते हैं समस्या समाधान को लेकर के। समस्या समाधान दरअसल क्या है? एक ये अवस्था है, एक ये प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया या जिस अवस्था में हम किसी भी समस्या का क्या होता है, किसी भी समस्या का सबसे पहले क्या करते हैं, एक करते हैं विश्लेषण करते हैं, एक करते हैं विश्लेषण करते हैं और उसके समाधान की खोज करते हैं। इसमें दो प्रक्रियाएं पूर्णतया मुख्य रूप से शामिल हैं। अगर हम देखें तो कोई भी समस्या आती है तो समस्या को लेकर के जब हम समस्या ग्रसित होते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, समस्या को विश्लेषित करते हैं। अगर हम उसके भी पहले अगर देखेंगे तो समस्या को परिभाषित करते हैं। तो सबसे पहले हम समस्या को परिभाषित करते हैं, फिर उसको विश्लेषित करते हैं और विश्लेषण के पश्चात हम क्या करते हैं कि उसके समाधान की खोज करने का प्रयास करते हैं। इस समाधान की खोज के दौरान हम अनेकों अनुक्रियाएं करते हैं, बहुत सारी अनुक्रियाएं करते हैं और बहुत सारी अनुक्रियाओं के पश्चात जो हमें सटीक अनुक्रियाएं मिलती हैं, अर्थात सटीक अनुक्रियाओं से मतलब ये है कि बहुत सारी जब समस्या आती है तो लोग बहुत सारी विभिन्न विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करता है, किसके लिए, खोज के लिए, समाधान की खोज के लिए। अब उसको जब अन्वेषण करता है, उसके समाधान चाहता है तो विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करता है। और मान लीजिए कि ये नंबर की जो अनुक्रिया है उसको वो सटीक लगा और उससे वो सटीक समस्या का समाधान हो जाता है तो वो क्या करेगा, इसको अपना लेगा, बाकी को छोड़ देगा। दैट मीन्स कि किसी भी समस्या के आने पर, अर्थात समस्या एक ऐसी प्रक्रिया है या अवस्था है जिसके माध्यम से हम समस्या के आने पर तत्कालीन उसका विश्लेषण करते हैं और उसका समाधान खोज करने की प्रक्रिया करते हैं। और इसके माध्यम से एक बैरन थे, कौन, बैरन, एक बैरन महोदय थे जिन्होंने कहा कि ये समस्या समाधान क्या है, तो समस्या समाधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं तो किसी भी समस्या के पाक्षिक रूप को अपनाते हैं कि विभिन्न प्रकार की जो अनुक्रियाएं करते हैं, इस विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाओं में से जो हमारी अनुक्रिया सही और सटीक होती है हम उसको चुनते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हम देखें इन सब का, अगर हम इसका विश्लेषण करने पर मुझे एक समस्या के समाधान से संबंधित एक हल मिलता है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, मुख्य रूप से इस समस्या, जो भी समस्या गठित होती है, जो भी समस्या आती है हमारे पास, उसका हम सबसे पहले क्या करते हैं तो उसकी, उसको परिभाषित करते हैं। परिभाषित करने के पश्चात हम उसको विश्लेषित करते हैं, विश्लेषित करने के पश्चात उसको हम समाधान करने की प्रक्रिया पर अग्रसरित होते हैं और जो भी हमें सटीक अनुक्रियाएं मिलती हैं उसका हम अनुसरण कर लेते हैं, हम बाकी को छोड़ देते हैं। इसके माध्यम से इसको हम अगर देखें तो इसके तीन प्रक्रम इसमें शामिल हो जाते हैं। तो जिसमें एक है क्या, मौलिक अवस्था, एक होता है मौलिक अवस्था, एक होता है मौलिक अवस्था, दूसरा होता है समाधान अवस्था, समाधान अवस्था, और तीसरा होता है नियम अवस्था। नियम अवस्था या नियम, इसको हम अगर देखें, विश्लेषित करें तो सबसे पहले कौन सा आता है, तो मौलिक अवस्था आती है। अर्थात जब भी हमारे पास कोई भी समस्याएं आती हैं
तो समस्याओं के आने पर हम सबसे पहले जो भी रिएक्ट करते हैं, तत्क्षण जो रिएक्ट करते हैं उस बिल्कुल उस सामने में, उस समय जो रिएक्ट करते हैं, उस समय जो हमारी मनोदशाएं चलती हैं, जो हमारा चिंतन चलता है, जो हमारी अनुक्रियाएं होती हैं, पहली अनुक्रियाएं वो क्या है, तो मौलिक अवस्था है। उसमें कोई भी बनावटीपन नहीं होता है भैया, कोई भी बनावटीपन नहीं होता है। जो हमारे समस्या अब उसमें आप देखेंगे कि कुछ लोग क्या होते हैं कि कुछ लोग जब कोई भी समस्या आती है तो बहुत ज़्यादा हड़बड़ाते नहीं, कुछ लोग कोई भी समस्या आती है तो वो बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाते हैं, कोई भी तो एकदम से चिंताग्रसित हो जाते हैं। तो क्यों ऐसा होता है कि उनकी मनोदशाएं किस प्रकार की है उस समस्या को लेकर के, अर्थात जब भी कोई भी समस्याएं आती हैं और उस समय का जो हमारा मनोचिंतन होता है, मनोदशाएं होती हैं और तार्किक पक्ष होता है, चिंतन होता है वो क्या होता है, तो मौलिक अवस्था होता है। अब समाधान की अवस्था क्या होती है, तो समाधान की अवस्था क्या होती है कि जो भी मौलिक अवस्था अर्थात जो समस्या को देख करके हम क्या करते हैं, तो समाधान खोजने का प्रयत्न करते हैं विभिन्न तार्किक पक्षों के द्वारा, विभिन्न अनुक्रियाओं के द्वारा, विभिन्न अनुक्रियाएं करते हैं, विभिन्न तार्किक पक्ष करते हैं, विभिन्न चिंतन करते हैं, विभिन्न प्रकार के चिंतन करते हैं। अब जो भी चिंतन, जो भी अनुक्रियाएं, जो भी तार्किक पक्ष, जो भी गहन पक्ष या जो भी खोज परक अन्वेषण हमारे लिए कारगर साबित होता है वो क्या है, तो समाधान की अवस्था होती है, अर्थात हमारा समस्या का समाधान की ओर अग्रसर करता है। और नियम अवस्था वो होता है जिसके माध्यम से हम मौलिक अवस्था से समाधान की अवस्था तक पहुंचते हैं। इन द सेंस कि कोई भी समस्या आई तो सबसे पहला जो तर्क हमारा होगा वो मौलिक अवस्था होगा, उसका जब हम समाधान खोजने का प्रयत्न करते हैं तो वो क्या होगा, तो समाधान की अवस्था होगा। और उसमें जो नियम लागू होते हैं, उसमें जो कानून लागू होते हैं, उसमें जो रूल एंड रेगुलेशंस लागू होते हैं वो क्या है, तो नियम की अवस्था कहलाती है। इस प्रकार से अगर हम एक छोटा सा उदाहरण के माध्यम से आपको बताएं तो विभिन्न प्रकार के जो समाधान करते हैं उसमें मान लीजिए कि एक हमारे पास कोई भी एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन एबीसी है जो भी है। अब ये क्वेश्चन का एबीसीडी आपका एबीसीडी, अब ये क्वेश्चन है आप कक्षा हॉल में है, परीक्षा हॉल में है, आपके पास ये क्वेश्चन दिया गया और आपको क्या करना है, समाधान। तो ये जो प्रश्न है आपके लिए क्या है, समस्या है। अब समस्या है, आपके पास विभिन्न सारे विकल्प मौजूद होते हैं, तो वो जो पहले आपने इस प्रश्न को देखा, इस प्रश्न को देखने के पश्चात जो तुरंत आपके मन में चली बात, ये मौलिक अवस्था है। अब आपने उसका अन्वेषण किया कि इसमें से ये चार विकल्प हैं, ये इस प्रश्न के मुताबिक इसका हल कौन सा होना चाहिए। आप मान लीजिए कि इस सी को कनेक्ट करते हैं कि हाँ सी होना चाहिए। अब सी होना चाहिए तो उसके लिए आपने कुछ नियम वाली अवस्थाओं को चुना होगा कि हाँ क्यों होना चाहिए, सी ही क्यों होना चाहिए, ए क्यों नहीं होगा, डी क्यों नहीं होगा, बी क्यों नहीं होगा। तो जब आपने किसी भी नियम की अवस्था को लेकर के इस सी पक्ष तक पहुंचने की चेष्टा की, अर्थात विभिन्न प्रकार की आपने अनुक्रियाएं की और विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाओं के पश्चात आपने एक निर्णय पर आप जब पहुंच गए, तो वही जो निर्णय है वो निर्णय की अवस्था ही समस्या का समाधान की अवस्था कहलाता है। तो मुझे लगता है कि कम समय में आपने बेहतर ढंग से इन सारे कॉन्सेप्ट को जाने होंगे। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।